हाँ गाइज, हम आज आप लोगों को बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग जो ईमेल अकाउंट बनाते हैं यानी कि जीमेल बनाते हैं, अगर उसका पासपोर्ट अगर किसी को मालूम हो गया यानी कि गलती से मालूम चल गया किसी को, तो जानते हैं आप लोगों का पासपोर्ट का कितना कीमत रहता है। अगर आपका ईमेल आईडी का पासपोर्ट अगर दूसरों को मालूम हो गया तो वो क्या करेगा कि आपका ईमेल आईडी वो अपने में लॉगिन कर सकता है यानी कि हैक जैसा कर लेगा। तो देखिए, उस तरह अगर आप मालूम किसी को चल गया तो आप लोग कैसे पासपोर्ट को बदल सकते हैं, तुरंत बदल लीजिए। और देरी किस बात की, अगर मालूम किसी को चल गया तो अभी आपको मालूम होगा तो अपना बदलिएगा, तो कैसे बदलिएगा, तो चलिए हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर आप लोग भी सीख लीजिए अगर आप लोग अपने ईमेल अकाउंट का पासपोर्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको ओल्ड वाला पासपोर्ट मालूम रहना चाहिए, तो अभी आप लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मालूम नहीं रहेगा तो आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर और आप लोग भी सीख लीजिए कि कैसे आप लोग अपने ईमेल अकाउंट का पासपोर्ट चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर और देख लीजिए कि कैसे चेंज हो रहा है। हाँ, तो चलिए गाइज, हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग अपने ईमेल आईडी का पासपोर्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग ओल्ड लगाए हैं, अगर वो पासपोर्ट किसी को पता चल गया यानी कि किसी कारण से किसी को मालूम हो गया, अगर आप लोग उसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज आप लोगों को वीडियो बनाकर बताने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर सीख सकते हैं, शुरू से अंत तक देखिएगा तभी इस वीडियो को मजा ले सकते हैं यानी कि समझ सकते हैं। तो चलिए क्या कीजिएगा, पहले आपने मोबाइल में क्रोम का नाम सुना होगा, क्रोम हर एंड्रॉयड फ़ोन में रहता है। तो क्रोम क्या कीजिएगा, ओपन कीजिएगा। यहाँ से क्रोम ओपन करने के बाद क्या कीजिएगा, देखिए आप लोगों को हम आप बताने वाले हैं। क्रोम ओपन करने के बाद इस पर सर्च कीजिएगा चेंज पासपोर्ट ईमेल, इस तरह सर्च कर सर्च मार दीजिएगा चेंज पासपोर्ट ईमेल। इस तरह सर्च करने के बाद देखिए यहाँ आप लोगों के सामने कुछ आ जाएगा चेंज पासपोर्ट जीमेल अकाउंट, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों को क्या क्या करना होगा तभी आप लोगों का पासपोर्ट चेंज हो सकता है। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पर क्या करना होगा, आपको ओल्ड वाला पासपोर्ट यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, जो आपका पुराना पासपोर्ट है वही क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर डाल देना होगा। तो आप लोग डाल कर खोलिएगा, आप लोगों का मालूम रहना चाहिए पुराना पासपोर्ट, अगर मालूम नहीं रहेगा पुराना पासपोर्ट तो आपका चेंज नहीं हो सकता है। तो चलिए सीख लीजिए कि कैसे आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम अपना पुराना पासपोर्ट डाल देते हैं, चलिए हम अपना पुराना वाला पासपोर्ट यहाँ इसमें क्लिक कर दिए। तो देखिए क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह खुलकर आ जाएगा। इस तरह खुलकर आने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोग जो पासपोर्ट लगाना चाहते हैं, न्यू पासपोर्ट जो लगाना चाहते हैं वो इसमें क्लिक कीजिए और वही पासपोर्ट यहाँ पर लिखे कन्फर्म न्यू पासपोर्ट, तो इसमें भी वही पासपोर्ट क्लिक कीजिए। तो चलिए हम दूसरा पासपोर्ट लगा लेते हैं। तो चलिए इसमें भी क्लिक कर दिए, यहाँ पर न्यू पासपोर्ट लगाना होगा, हम ओल्ड वाले ही पासपोर्ट डाल रहे थे इसलिए नहीं खुल रहा है, तो हम दूसरा पासपोर्ट लगा रहे हैं। चलिए इसमें हम दूसरा वाला पासपोर्ट डाल देते हैं। तो इसमें क्लिक कर दिए और इसमें भी दूसरा वाला पासपोर्ट डाल देते हैं। क्लिक कर दिए इसमें भी, चलिए आप चेंज पासपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग के सामने कुछ इस तरह खुलकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह खुलकर आ गया, यहाँ पर लिख दिया पासपोर्ट चेंज्ड सक्सेसफुली। इसी तरह आप लोग का भी मोबाइल में लिख देगा, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर गेट स्टार्टेड लिख रहा है तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग के सामने कुछ इस तरह हो जाएगा, इस तरह खुलकर आ जाएगा, तो बुझाइए आपका पासपोर्ट चेंज हो गया। इसी तरह आप लोग भी अपने ईमेल अकाउंट का पासपोर्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा है योर सेव्ड पासपोर्ट, तो इसी तरह चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।